हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब फेयर चैनल। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजधानी कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की तरफ से जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन निकाली गई है उसके बारे में। यहाँ पर जो है असिस्टेंट प्रोफेसर एपी की वैकेंसीज निकाली गई हैं। टोटल वैकेंसी जो है वो है आपकी 62 यहाँ पर जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज निकाली गई हैं। और ये जो है आपकी एपी की वैकेंसी, ये वेरियस डिसिप्लिन में वैकेंसीज हैं। इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है आपकी 6 जुलाई। 6 जुलाई जो है वो इन एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की आपकी लास्ट डेट है। 6 जुलाई 2024 तक आप इन एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपको इस वेबसाइट के ऊपर मिलेगा। ये जो वेबसाइट है ये है colrec.uod.ac.in। इस वेबसाइट के ऊपर जाके जो है वो आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है फिलअप कर सकते हैं। और बाकी अदर जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.du.ac.in या फिर राजधानी कॉलेज.ac.in इस वेबसाइट के ऊपर जाके जो है वो विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर जो वैकेंसीज़ हैं आपकी 62, उसमें केमिस्ट्री में आपकी जो है 9 वैकेंसीज़ हैं। इन 9 वैकेंसीज़ में से 6 वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी में है, 3 वैकेंसी ओबीसी कैटेगरी में रिजर्व है। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी जो है वो कॉमर्स में है। कॉमर्स में आपकी 14 टोटल वैकेंसीज़ हैं, जिसमें 5 वैकेंसी जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी में है, 4 वैकेंसी ओबीसी कैटेगरी में, 2 वैकेंसी एससी, 1 वैकेंसी एसटी, 1 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस और 1 वैकेंसी जो है वो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के अंडर रिजर्व रखी गई है। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी जो है वो कंप्यूटर साइंस में है, 2 टोटल वैकेंसी हैं, 1 वैकेंसी ओबीसी, 1 वैकेंसी एससी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। नेक्स्ट वैकेंसी इकोनॉमिक्स में है, 5 टोटल वैकेंसीज हैं, जिसमें 2 वैकेंसी आपकी जो है अनरिजर्व कैटेगरी में, 1 वैकेंसी ओबीसी, 1 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस और 1 वैकेंसी आपकी जो है वो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व रखी गई है। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी इंग्लिश में है, इंग्लिश में 5 टोटल वैकेंसीज हैं, जिसमें 2 वैकेंसी अनरिजर्व, 2 वैकेंसी ओबीसी और 1 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी हिंदी में है, 3 टोटल वैकेंसीज हैं, जिसमें 1 वैकेंसी ओबीसी, 1 वैकेंसी एससी और 1 वैकेंसी एसटी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। नेक्स्ट वैकेंसी 7th वैकेंसी आपकी जो है हिस्ट्री में है, 7 यहाँ टोटल वैकेंसी है, 1 वैकेंसी अनरिजर्व, 1 वैकेंसी ओबीसी, 2 वैकेंसी एससी, 1 वैकेंसी एसटी और 1 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस। इसके अलावा पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए 1 वैकेंसी यहाँ रिजर्व रखी गई है। टोटल वैकेंसी जो है हिस्ट्री में वो है 7। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी मैथमेटिक्स में है, 11 यहाँ टोटल वैकेंसी है, जिसमें 4 वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी में है, 3 वैकेंसी ओबीसी, 1 वैकेंसी एससी, 1 वैकेंसी एसटी, 1 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस और 1 वैकेंसी जो है वो आपकी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के अंडर। इसके अलावा जो पहले वाली जो आपकी वैकेंसीज हैं ये वर्टिकल रिजर्वेशन के अंडर है, ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के अंडर आपकी मैथमेटिक्स में पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। मैथमेटिक्स में टोटल जो एपी की वैकेंसी है वो है आपकी 11। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी फिजिक्स में है, 1 टोटल वैकेंसी है और ये वैकेंसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। 10th वैकेंसी जो है वो है इन्वायरमेंटल साइंस में, 1 यहाँ टोटल वैकेंसी है और ये वैकेंसी जो 1 वैकेंसी है वो आपकी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। नेक्स्ट और लास्ट वैकेंसी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स में, 4 टोटल वैकेंसीज हैं, 2 वैकेंसी अनरिजर्व और 2 वैकेंसी ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। इस तरह से टोटल यहाँ पर जो है 62 वैकेंसीज हैं, 62 असिस्टेंट प्रोफेसर की यहाँ पर वैकेंसीज ये निकाली गई हैं। वेरियस डिसिप्लिन में ये वैकेंसीज हैं, जैसे केमिस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इन्वायरमेंटल साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स में ये वैकेंसीज हैं। यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन आपकी रखी गई है, आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। ये डिसिप्लिन जो है असिस्टेंट प्रोफेसर आर्ट, कॉमर्स और साइंस के लिए है। ए और बी आपकी है। ए में आपकी जो है मास्टर डिग्री होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। इसके अलावा आपने जो है वो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है क्वालिफाई किया होना चाहिए, नीट आपका जो है वो क्लियर होना चाहिए। बी में आपका पीएचडी डिग्री होनी चाहिए आपके पास फॉरेन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से, 500 के वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो है 500 के अंदर होनी चाहिए उसकी, वहाँ से आपने जो है वो ये पीएचडी डिग्री की होनी चाहिए। इसके अलावा आपकी जो है वो टाइम हायर एजुकेशन टीएचई या एक एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी संघाई, जियो टोंग यूनिवर्सिटी संघाई, यहाँ से भी अगर आपने पीएचडी करी है तब भी आप अप्लाई कर सकेंगे। इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने के लिए जो एप्लीकेशन फ़ीस आपकी रखी गई है वो है आपकी 500 रुपीज़ जो है वो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है। यहाँ पर अगर आप अनरिजर्व ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 500 रुपीज़ जो है आपने एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पेमेंट पे करनी है। अगर आप एसटी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी या वुमेन एप्लीकेंट है तब आपने किसी भी तरह की कोई एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे नहीं करनी है। सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट जो है अनरिजर्व ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, उनके लिए 500 रुपीज़ यहाँ एप्लीकेशन फ़ीस पेमेंट रखी गई है। 500 रुपीज़ यहाँ जो आपका सिलेक्शन है वो मेरिट बेस पे किया जाएगा। आपका सिलेक्शन जो है मेरिट बेस पे होगा, जिसके स्कोर के बारे में आपको यहाँ पर इन्होंने डिटेल में बताया है। ग्रेजुएशन के कितनी परसेंट है तो कितना स्कोर आपको दिया जाएगा, पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको कितनी परसेंटेज है, कितना स्कोर होगा, पीएचडी का कितना स्कोर, एनईटी का कितना स्कोर, एनईटी विद जीआरएफ का कितना स्कोर है,
रिसर्च पब्लिकेशन, इसके अभी अलग अलग स्कोर जो है वो आपके डिसाइड किए जाएंगे, जिनके बारे में आपको यहाँ पर डिटेल में दिया गया है। इस नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप कंप्लीट नोटिफिकेशन जो है उसे चेक कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।